देख रहे हैं लाइव आज हर खबर। जनपद बिजनौर नगीना में निर्माणाधीन मकान से लाखों का सामान चोरी करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनसे चोरी का सामान सहित 1.5 किलो चरस भी बरामद की है। हम आपको बता दें कि पुलिस लाइन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि 7 अक्टूबर को नगीना नगर के मोहल्ला लाल सराय निवासी कृष्ण बलदेव सिंह पुत्र विद्यान सिंह थाने में तहरीर दी थी कि बीती रात अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके निर्माणाधीन मकान से लगभग 4 लाख रुपए की निर्माण सामग्री चोरी कर ली गई है। पुलिस ने धारा 457 व 380 में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बुधवार की सुबह स्वाट टीम एवं नगीना पुलिस को मुखबिर से आरोपियों के बारे में सूचना मिली थी। बूंद की तिराहे पर चेकिंग के दौरान मारुति उन्नी गाड़ी संख्या DL2CL 3904 से नदीम व नाजिम पुत्रगंज ताहिर निवासी फीना कॉलोनी चांदपुर एवं नफीस शाह पुत्र हिकमत शाह निवासी मोहल्ला तकिया हुसैन शाह थाना कोतवाली जनपद अमरोहा को 1.5 किलो चरस तमंचे व कारतूस सहित चोरी किए गए 4 लाख रुपए का सामान पुलिस ने बरामद कर दोनों अभियुक्तों का चालान कर उनको जेल भेज दिया है। आज न्यूज चैनल में रिपोर्ट डॉक्टर खिजर जावेद खान की रिपोर्ट। द्वारा तीन चोर पकड़े गए, क्या प्रमाण? 7 अक्टूबर को कृष्ण बलदेव राज का मकान जो नगीना कस्बे के लाल सराय मोहल्ले में बन रहा था, निर्माणाधीन है, बड़ा मकान है, उन्होंने मकान से संबंधित पीतल का लोहे का अनेक सामग्री रख रखा था। बाय चांस उस दिन उनके लेबर त्योहार की वजह से नहीं थे, उनका सारा सामान चोरी हो गया। उनके द्वारा एप्लीकेशन दिया गया, 457-380 का अभियोग पंजीकृत हुआ। स्वाट SOG ने और स्थानीय पुलिस ने इस केस को वर्कआउट किया। चोरी हुआ समस्त माल को बरामद कर लिया गया है। इसमें से तीन चोर हैं, दो चोर चांदपुर के, एक अमरोहा का रहने वाला है। इनके क्रमशः नाम है नदीम, नाजिम और नफीस। इनके कब्जे से 2 तमंचे, चाकू, पूरा माल और गाड़ी जिससे वो चोरी करके ले गए थे, वो गाड़ी बरामद हुआ है और चरस भी बरामद हुआ है। इनको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। पुलिस टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। इनकी मॉडस ऑपरेंडी निर्माणाधीन मकान पर टारगेट करना, सामान को चोरी करना एवं पेड़ों की भी या अन्य चीजों को भी काट कर। इससे पहले भी किसी घटना को अंजाम दिया गया इनके द्वारा? जी, इससे पहले भी किसी घटना को अंजाम दिया गया इनके द्वारा? इसके इन्होंने अन्य जगह भी चोरी किया है। कुछ लोगों ने इसको सूचना नहीं दिया, अब आ रहे हैं लोग कि हमारा भी सामान चोरी गया था। निर्माणाधीन मकान पर जहाँ पर सामान रखा रहता है उसी को एक टारगेट करते हैं ज्यादातर।